भाई ये सब कैसीनो खेलने यहाँ पे आ रखे हैं भाई। क्या क्या लिखा हुआ है इस पे? ये बोलते कैसे मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। मीजो शीरू टॉम योम तीमापुरा ये सब तो मेरे सिलेबस में नहीं था। पहुँच गए भाइयों, पहुँच गए, पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे है हिडन जेम। अरे यार तो हर जगह कपल है, सब जोड़े में आए। आप यही काम करते हो ना बिग डैडी में? हाँ बिग डैडी। एक बार कैमरा में बोल दो बिग डैडी। बिग डैडी? नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर फीलिंग के साथ बिग डैडी। हेलो जी, हेलो, वेलकम आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। भाइयों आज है दूसरा दिन हमारी इस गोवा ट्रिप का। आज के दिन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, टास्क है, उसे हमने बांटा तीन भागों में। सबसे पहले हम लोग जाएंगे पानी के बीच में जहाँ पे है बहुत बड़ा सा जहाज यानी कि क्रूज, और वहाँ हम लोग खेलेंगे कैसीनो। कैसीनो में पैसों का आदान प्रदान करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हिडन जेम्स गोवा के, जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये ऐसे हिडन जेम्स है जो मैं आपको अगर एक बार दिखा दूंगा तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम गोवा आओगे तो आपका बहुत मन करेगा ये देखने का। और भाइयों ये जो हिडन जेम्स है ये मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गोवा में इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसलिए कैसीनो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हिडन जेम्स ऑफ गोवा, और फिर हम लोग मजा उठाएंगे गोवा की नाइट लाइफ का जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा रंगीन नजारे। तो वहाँ हम जाएंगे रात में। हेलो, हाँ भारत सरकार, क्या कह रहे हो? जब तेरे रूम के सामने स्विमिंग पूल है तो उसमें गोटे क्यों नहीं खा रहा? एक दिक्कत हो गई भैया, मैंने सोचा था कि जब मैं ऐसे पानी से निकलूंगा फिर ऐसे लेटूंगा तो मैं लगूंगा कैटरीना कैफ, लेकिन हकीकत तो मुझे पता है ना, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा हूँ जैसे भीगा बंदर तालाब से निकला हूँ। आधे घंटे से चश्मा ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ रख के भूल गया। बाद में नजर पड़ी कि स्विमिंग पूल के अंदर पड़ा है भाई, लेकिन पानी बहुत साफ है, मजा आ गया। इतना साफ अगर किसी लड़की का दिल हो तो मजा नहीं आ जाएगा। इतना साफ पानी होने का एक नुकसान भी है, अगर कोई भी सुसु कर देगा ना तो उसके आसपास रसना अलग ही चमकेगा। भाई मानो ना मानो लेकिन नजारे एक नंबर है। ये रहा पूल, इसके ठीक सामने ये देखो, ये है कमरे। क्या प्यारा व्यू है यार, कोई पीकेएलई होगा जो बालकनी में अपने कपड़े सुखाएगा। तो भाइयों नहा दो के हम हो चुके हैं तैयार और पहुंच चुके हैं गोवा की कैपिटल पंजिम। भाई सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जो अजय देवगन है एक नंबर का झूठा इंसान है, क्योंकि उसने दृश्यम मूवी में बताया कि 2 अक्टूबर को वो सत्संग सुनने गया, लेकिन नहीं, मेरे को तो लगता है कि 2 अक्टूबर को वो भी यहाँ पे कैसीनो खेलने आए होंगे। भाई ये सब कैसीनो खेलने यहाँ पे आ रखे हैं? ओ अच्छा, नोरा भी आ रखी है, क्या बात है। अच्छा ये जगह खाली छोड़ रखी है मेरे लिए, सही है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैसीनो खेलते हैं शिप पे जो कि पानी के बीचों बीच होता है, तो अभी हम आए लैंड से, अब हम जाएंगे इस वाली बोट में बड़े शिप की तरफ। ये बढ़ क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, यहाँ भी सवारी भरेंगे? ई रिक्शा के ये पीतमपुरा पीतमपुरा और चल गई चल गई चल गई, आगे ट्रैफिक तो नहीं है ना? अबे साले भाई अभी अभी पता लगा कि अंदर कैमरा नहीं अलाउड, तो इसलिए अभी मैं जाता हूँ, आप लोग इतने प्रार्थना करो कि मैं कुछ जीतूं। Okay. तो भाई उसी के साथ जीवन में अपना पहला कैसीनो खेल के बहुत ही मजा आ गया, तुम्हारा भाई 29,000 रुपए हार गया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, पर भाई मजा बहुत है, बहुत मजा है। देखो आपको लत नहीं लगानी, लेकिन एक बार खेल के देखो। ओए होए नहीं भाई, मत खेल के देखो। अंदर जो गेम्स थे बहुत सारे थे, हमने जो गेम खेले वो 2 खेले थे, एक खेला था रोले, दूसरा खेला था ब्लैक जैक। और जो आपके बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बेटा स्टार्टिंग में तो जीते हुए उसके बाद हारते चले जाओगे, सेम ऐसा हुआ, सेम स्टार्टिंग में खेला जीते बढ़िया, लेकिन उसके बाद तो हारते चले गए, फिर तो जो नैया डूबी डूबी गई। आप यही काम करते हो ना बिग डैडी में? हाँ बिग डैडी। एक बार कैमरा में बोल दो बिग डैडी। बिग डैडी? नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर फीलिंग के साथ बिग डैडी। तो भाई अब चलते हैं कुछ खाने। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भाई, क्या क्या लिखा हुआ है इस पे? ये बोलते कैसे मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। मीजो शीरू टॉम योम तीमापुरा ये सब तो मेरे सिलेबस में नहीं था भाई। शाही पनीर दाल मखनी ये सब नहीं है? जापानीज थाई चाइनीज सर्व करते हैं। थाई? आपकी थाई? इतने झूठ मारूंगा। मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दो, 2.5-3 साल, मैं एक बार थोड़ा समझ के बताता हूँ क्या ऑर्डर करना है। इससे आसान तो IPS की डिग्री है भाई। अरे पीछे भी है जापानीज टैपा पन्या। क्या करना चाहिए ऑर्डर? सुशी। वो सुशी तो मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो कौन सी वाली? वेज सुशी प्लेटर। ये ना बहुत शक्की लोग हैं, इनको लग रहा होगा ये दारू है, तो एक बार बता दो ये क्या है? ये सर रेड बुल है। देखा तुम लोगों को लगा होगा कि मैं दारू, मैं ना पीता दारू। ठीक है भैया खाते कैसे ये भी सिखा दो। ये सोया सॉस है, क्यूमिन सोया, डीप करके खाइए, और सभी थोड़ा लीजिए, और सभी थोड़ा इसमें मिक्स कर लीजिए, इसको डीप करके मिक्स करके खाइए। रास्ते मैंने देखी थी ना सुशी, तो मैंने देखी थी डोरेमोन में, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर ये आपने बहुत अच्छी कलाकारी। करेवीर शुरू। अरे ऐसे नहीं भाई। चॉपस्टिक भाई ये तो आज तक नहीं खाया, ये जुड़वा है, खुलेगा ये? ऐसे भाई ऐसा लग रहा है सिलाई कर रहा हूँ, स्वेटर बुन रहा हूँ, क्या है ये?
पहली बार में उठ गया भाई, इतिहास रच दिया मैंने। पहली बार सुशी खा रहा हूँ चॉपस्टिक से, पहली बार में उठ गया। वो इतिहास में से नाम काट दो मेरा। तो भाइयों, जापान का खाना सुशी खा के मजा आ गया। आप लोगों ने भी अगर कभी ट्राई नहीं करी अपने जीवन में तो एक बार ट्राई जरूर करना। लेकिन भाइयों, एक कुट्टी सॉस मिलेगी आपको वसाबी नाम की, उससे दूर रहना भाई। वो इतनी तीखी है और ऐसा भी नहीं कि एक चम्मच भर के खाओगे तो तीखी लगेगी, नहीं। उसका अगर आपने कण भी खा लिया, मान ले इतनी सी जैसे कि मेलीगो जितनी छोटी होती है ना, उससे भी छोटा अगर आपने कण उठा लिया उसका और चख लिया, बहुत तीखी होती है वसाबी, मत खाना भाई। ये तो वही वाली चर्च है। अरे मुझसे शादी करोगी? मैं क्यों करूंगा भाई? तुम शादी नहीं, यहाँ शूट हुआ था उसका, ये वही तो है चर्च। ओ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया, आप कैसे हो सर? वो तीनों कहाँ पर है? कौन तीनों? अरे प्रियंका चोपड़ा, सम्मान लाल, अक्षय कुमार कहाँ है? मुझे क्या पता। तो भाइयों, खाना पीना करने के बाद अब हम जा रहे हैं हिडन जेम देखने। पहुँच गए भाइयों, पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे है हिडन जेम। ये जो लोकेशन है इसका नाम है अगवाड़ा फोर्ट। अब जो हिडन जेम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, आ जाओ। तो भाइयों, यहाँ से मैं आया था अगवाड़ा फोर्ट। इस रास्ते को बिल्कुल सीधा आओ, टक्कर पे आओ, टक्कर से काउंट करो पांचवी खिड़की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इसके अंदर आपको दिखेगा एक पत्थर, इस पत्थर के नीचे है हिडन जेम। ये देखो, ये रही वो हिडन जेम। कैसा लगा मेरा मजाक? सनसेट देखो भाई, कितना प्यारा सनसेट है। तो भाइयों, अब हम लोग आ चुके हैं पीटोज लेन। अरे गोवा में भी चिट्टियां कलाइयां बज रहे भाई, यहाँ पे रिमिक्स बहुत है भाई। किसी क्लब में कोई गाना बजेगा, उसके बाद वाले में कोई और गाना बजेगा, दोनों गाने आपस में संधि विच्छेद। ऐसा लग रहा है पोलियो का टीका लगा दिया। अरे यार, तो हर जगह कपल है, सब जोड़े में आए। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं पे खत्म। जाते हैं वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट नीचे लिख देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जिसे अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय। इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। जी करदा कपताना हाँ जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा, जी करदा कपताना हाँ जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा।